अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे खीरे का जूस और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खीरा हमारे जिगर और मैदे को ठंडक पहुंचाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो खीरे की सलाद भी बनाकर खाए तो इंशाल्लाह उसे भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी। और भी बहुत से फ़ायदे हैं खीरे के। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही प्यारी प्यारी नेमतें अता की हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने दो खीरे लिए हैं, इनको हमने वॉश कर लिया है और इनके छिलके हम नहीं उतारेंगे, इनकी हम साइड्स उतार लेंगे। और इनके हम पीसेस काट लेंगे। अब हम इनको जग में ऐड कर देंगे। तो देखिए, इसको हमने जग में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे और इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और 2 ग्लास जितना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो जूस हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। ये हमने एक बाउल लिया है और छन्नी की मदद से हम छानेंगे। और एक स्पून लेंगे, उसकी मदद से मिक्स करेंगे। तो देखिए, तकरीबन जूस हमारा रेडी है और कितना खूबसूरत इसका कलर है। अब हम इसमें लेमन ऐड कर देंगे। हाफ हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये हमने 2 ग्लास लिए थे और इनमें आइस क्यूब्स ऐड की है। अब हम इसमें जूस ऐड करेंगे। तो देखिए, तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही यमी खीरे का जूस। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो भी इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसे भी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।